इस स्वागत है आपका इन स्पोर्ट्स क्रिकेट एक्सप्लोर में। आप देख सकते हैं हमारे तीसरा पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट हमारा था हैदराबाद टू मैंगलोर, और उसके बाद सेकंड पार्ट था बेंगलुरु से लेकर गोवा तक, थर्ड पार्ट था गोवा से लेकर रत्नागिरी तक। ये हमारा तीसरा पार्ट है रत्नागिरी से लेके बॉम्बे तक, ये हमारा चौथा पार्ट है। आप तीन पार्ट पिछले भी देखिए और ये भी देखिए। लाइट बारिश हो रही इसलिए छतरी खोल रहा हूँ भाई, देखिए छतरी खोल देखे। और ये रत्नागिरी का बीच है, ये आप देख सकते हैं ये बीच, ये साइड मांडवी, कौन सा बीच है, मांडवी बीच है। ये फोर्थ पार्ट है। अब पूरा बॉम्बे तक हमारा कवरेज रहेगा। ये 340 कुछ किलोमीटर है। आज थोड़ा सर्वे आज हम लोग थोड़ा करेंगे, उसके बाद कल हम लोग उसके बाद का हम लोग कल करेंगे। आज रात में कहीं रह जाएंगे हम लोग। ये ज़बरदस्त है। और जब भी कुंडगढ़ में आते हैं या रत्नागिरी आते हैं, बारिश का मज़ा हमेशा लेना चाहिए। हमेशा जब भी आएंगे आप तो सावन में आना चाहिए। सावन का मज़ा आपको सिर्फ वेस्टर्न घाट और कुंडगढ़ में मिलेगा। और खाना तो ज़बरदस्त है यहाँ का, एंजॉय कर सकते हैं। अब आम यहाँ आगे एक आम वगैरह या भुट्टा लेके, यहाँ पर भुट्टा खा लेगा, भुट्टे का मज़ा ले लेके जाएंगे। आगे देखिए, चैनल को एक्सप्रेस करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। आगे बताते हुए चैनल, थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन नदीम के साथ मैं सैयद माजिद, इन स्पोर्ट्स क्रिकेट एक्सप्लोर का हेड कोच। और हम लोग का फूड और हमारा ट्रैवलिंग क्रिकेट तीनों भी एक्सप्लोर करते हैं हम काफ़ी एक्सप्लोर करें हम लोग। और मेरे साथ कोच इन स्पोर्ट्स के नदीम भी है और हमारे अजहर भी हैं यहाँ पर हमारे साथ, और तनवीर भी है, अजहर भी है। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, ये हमारा चौथा पार्ट है। ये रत्नागिरी से लेके बॉम्बे का पार्ट है ये। अब पिछले पार्ट देखिए हम लोग, अभी तक कितने स्टेट हो गए अजहर? पांच स्टेट हो गए। हम लोग निकले तेलंगाना से फर्स्ट डे, उसके बाद आंध्रा पार हुआ, उसके बाद फिर कर्नाटक में गए। कर्नाटक तेलंगाना एक स्टेट, आंध्रा सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट हमारा था कर्नाटक, उसके बाद था हमारा फोर्थ स्टेट गोवा। अब हम लोग है महाराष्ट्र में, ये पांचवा स्टेट है। तीन दिन में पांच स्टेट हो गए। देखिए जुम्मे को निकले, आज हफ्ता आज इतवार, मगर अब महाराष्ट्र में एक दो दिन ज़्यादा हो जाते। क्यों बोलते, बॉम्बे जाने का है, फिर वहाँ से बॉम्बे से निकल के फिर हमको पूना एक्सप्रेस हाईवे ले लेके फिर हमको जाने का है। तो दो दिन तीन दिन निकल जाते बॉम्बे बीच हमारा। बॉम्बे महाराष्ट्र काफ़ी बड़ा है और रत्नागिरी काफ़ी अच्छी सिटी है। दिल्ली और किला आइए या फिर बीच आइए, रत्नागिरी आके रत्नागिरी एक्सप्लोर करिए, रत्नागिरी का खाना खाइए। और हम आम होने का था असल, हम रत्नागिरी का सीजन हो गया कहते इधर, पर हम तलाश में है आम जाम ही मिलेगा। एक दो तीन किलो आम ले लेंगे, रत्नागिरी का आम हम लोग ले लेंगे। कि वो तो आम पहले आम ले रहे थे, पहले हम लोग चाकू ले लिए काटने के लिए। जबरदस्त अभी यहाँ पर चाय वाई कैसी मिलती, वो देखे चाय पी लेंगे थोड़ा राइट। बारिश जब से फुटबॉल, ये तौफीक है। रत्नागिरी का आम सीजन कब रहेगा? रत्नागिरी का हापुस आम रहता है, हापुस आम सिर्फ मई में रहेगा। बाकी टाइम में तुम बारिश में आएंगे तो नीलम या तो फिर ये तोता फूल, और बाकी टाइम में दशहरी। दशहरी वो भी आम है क्या? हाँ दशहरी आम है। अभी कैसा दे रहे, कौसा दे रहे हैं हमको? वो नीलम है, वो 100 रुपये सवा किलो, 80 रुपये किलो है। और देख समझ के लगा दे, एक दो किलो लगा दे, बस दो किलो। फ्लाइट आप आइसो से खा के जाएंगे वही के ले रहे। देखिए ये अब आम 200 के आम देता बराबर 2.5 किलो करता। दे दीजिए 200 के आम दे दीजिए, अच्छे देख के दे दीजिए। हाँ तौफीक ना, हाँ तौफीक देखिए आम ले लिए, ये कितना 2.5 किलो हो गया, कितने पैसे हो गए तौफीक? 200 रुपये। ये रत्नागिरी का हम लोग, ये रत्नागिरी का तो नहीं महफूस है कहते, तो यहाँ का आज सोचते हैं रत्नागिरी का आम खाएंगे बोल के। बोले के लिए फ्रूट वगैरह सो गए, तोता पेरी मशहूर रत्नागिरी की। और कौन सा बोले आप? रत्नागिरी ये कौन सा आम है? ये दशहरी है। दशहरी कैसा किलो है? दशहरी दशहरी में 120 रुपये किलो है। 120 रुपये किलो दशहरी भी, मगर हम लोग ये ले रहे। अब आगे जाके देखिए, तो अभी कब तक होती है बारिश? ये बारिश सितंबर तक तो कंटिन्यू रहती है, सितंबर तक। हाँ रत्नागिरी में बारिश लगी तो फिर ना रुकने का नाम। तो गणेश यहाँ पर गणेश का चौथी बहुत अच्छा मनाते हैं। हाँ बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा मनाते हैं गणेश। जब वो गणेश का हो जाएगा फिर बाद में थोड़ा बारिश कम हो जाएगी, कम हो जाएगी बारिश। तो गणेश चौथी बहुत अच्छा मनाते हैं। और थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। ये रत्नागिरी सिटी है देखिए पूरी। हम लोग ऊपर हाईवे की तरफ जा रहे हैं अपन। हाईवे की तरफ जा रहे हैं हम लोग रत्नागिरी का। नेशनल हाईवे 66 अभी टच करेंगे क्या? आगे टच करेंगे। ये स्टेट हाईवे है, ये स्टेट की रोड है ये। ये ऊपर से देखिए फ्लाईओवर भी है, अच्छी बड़ी सिटी है रत्नागिरी। आप लोग आके कभी एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आके खाके पी के जाके आके देख सकते हैं। हमारी ख्वाहिश थी रत्नागिरी आके देखना, बल्कि क्यों तो टीवी पे वगैरह
या तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमारे भिड़े साहब रत्नागिरी के रहे, तो कांजारे बोलते रत्नागिरी बोलते रहते घड़ी घड़ी, तो बहुत दस साल से सुने थे रत्नागिरी रत्नागिरी बोल के, कभी भिड़े साहब मिले तो हम भी बोल देंगे रत्नागिरी जाके आए भिड़े साहब बोल के आपके लिए। ये देखिए काफी पुरानी शहर, पुराना शहर है ये, बिल्डिंग्स वगैरह और रोड्स अच्छे, बड़ा देखो अच्छा बड़ा शहर है, रत्नागिरी से पार होंगे। अभी रत्नागिरी है नहीं, अगर मेन रोड से कितने किलोमीटर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हाईवे से 50 किलोमीटर अंदर है, 50 किलोमीटर आप नेशनल हाईवे से अंदर है, इतनी बड़ी सिटी कि कब बना है, कब डेवलपमेंट करे, कितना ये लोग कब आके बसे, सोचने की बात है ये, सही है ना। एकदम पहाड़ों के बीच में आके एक शहर बसाना, शहर बसा ये बहुत बड़ी बात है ये, आके इतने आजू बाजू देखिए पूरा राइट साइड पे आप जाएंगे पूरा कम्प्लीटली पहाड़ है। ईरानी चाय दिन के बाद फिर ईरानी चाय, 3 दिन होगा, 3-4 दिन होगा, ईद के दिन भी नहीं मिली भाई, ईद के दिन भी नहीं मिली, ईद के दिन भी चाय नहीं मिली ईरानी चाय हैदराबाद। अब देखिए ईरानी चाय काफी दिन के बाद ईरानी चाय का पीने का मजा, ये रत्नागिरी के बाहर निकल गए हम लोग, अभी यहाँ से घाट सेशन स्टार्ट होता है यहाँ से, अभी ये स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे नहीं मिला अभी, अभी घाट सेशन है पूरा, ये बेहतरीन रोड, अब व्यू बहुत अच्छा व्यू है, और जब हम लोग गोवा से आए थे थर्ड पार्ट का पिछला भी देखे होंगे रत्नागिरी तक, अभी ये फोर्थ पार्ट है रत्नागिरी से लेके बॉम्बे तक, और ये काफ़ी अच्छा रहेगा ये भी, और व्यू अच्छा मिलेगा आपको, बेहतरीन व्यू है देखिए, बहुत खूबसूरत व्यू, और मज़ा आ रहा रोड पे गाड़ी चलाने में, और गाड़ी कैमरे बैठ के वीडियो निकाल के आप देखो सीनरी देखो कितना प्यारे खूबसूरत खूबसूरत है, और पूरा व्यू पूरे आइए पूरे आम के जड़ा देखिए, ये नदी है, ये नाला है देखिए, ये जाके भी समंदर में मिल जाता पानी, ये पहाड़ों से ओरिजिनेट होती पानी, ऊपर से जो आता पानी पूरा ये नीचे तरफ जाके समंदर में जाके मिल जाता पानी, मीठा पानी आके खारे पानी में जस जाता, और यहाँ पर कोंकण में बारिश हमेशा चलती ही रहती बारिश। ये पूरे मैंगो के ट्री से देखिए बहुत ज़बरदस्त रोड भी, कितनी अच्छी खूबसूरत रोड है, बेहतरीन रोड है, और स्टेट हाईवे की रोड है ये, रत्नागिरी से बाहर निकलते मेन रोड पे जाते वक्त आपकी ये रोड मिलेंगी आपको, और अच्छी रोड है, और घर देखिए कितने पुराने कैसे घर है देखिए, पुराने घर ऐसा दिख रहा है गोवा की तरफ, गोवा में थोड़ा ऐसी आई थी ना गोवा में, ओल्ड गोवा थोड़ा ऐसी दिखता आपके यहाँ पर आई जाए, ओल्ड गोवा की तरह का है, बेहतरीन व्यू खूबसूरत। बस देखिए बस भी आ गई थी, बस इतनी लाइट्स भी है डाले में यहाँ पर, मतलब अंधेरा होने से पहले हमें कुछ चाहिए कि अभी देखिए टाइम क्या हो रहा, 6 बज रहे भी अभी, आधा 1.5 घंटा है अभी हमारे पास कुछ आला, जब तक जहाँ तक कवर करते कवर कर लेंगे बॉम्बे की रोड तक, उसके बाद फिर और 1 घंटा 8:30-8:30 तक तभी हम लोग देख के रेस्ट ले लेंगे, फिर कल निकली खूबसूरत रोड है, ऊपर तक देख सकते हैं आप लोग, जहाँ तक जूम करके बता दूँ, क्या सीनरी देखिए, क्या मजा आ रहा देखे तो, ये देखिए आ हा 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 हा, वाटरफॉल देखिए, वाटरफॉल कितना जबरदस्त वाटरफॉल है, और ये देखिए क्या मजे, क्या सीनरी देखिए, ये कोंकण और वेस्टर्न घाट जो बोलते हैं ना, सुनते थे हम लोग, आज देखने का और घूमने का मौका मिला, वाटरफॉल भी जबरदस्त वाटरफॉल है बेहतरीन, क्या नजर,
नज़ारा देखिए आप लोग, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। हाँ 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 ये देखिए, राइट साइड देखिए, ये देखिए पुराने रोड देखिए कितनी अच्छी हो गई। अभी ऊपर से आए हम लोग, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन रोड, खूबसूरत रोड। ओह हो देखिए बाटो वाले पूरा है, ये पूरा जंगल है। रत्नागिरी मतलब मेन रोड से या बॉम्बे से इतनी दूर है, ये शहर बसा, ये शहर कैसा बसा है, ये शहर में पहले आके कौन रहे, क्या देखे शहर में, दिमाग काम नहीं कर रहा सोचे तो, यहाँ के यहाँ पर क्या है ये शहर में रत्नागिरी में, क्या चीज़ है यहाँ पर, आके इतने दूर आके लोग रह रहे बस रहे, वो तो सोचने की बात है। ऊपर वाले की कैसी कृपा है देखिए, देखिए देखिए वाटरफॉल। देख सकते हैं आप लोग ये खूबसूरत नदी जा रही, और एक घाट है ये पूरा कम्प्लीटली कोंकण का एरिया, ये घाट है ये। देखिए ये रोड है, देखिए ये लेफ्ट साइड पूरा कोंकण और वेस्टर्न घाट, ये पूरा जिंदगी में एक बार तो भी आना चाहिए यहाँ पर, जब तक आपकी अल्लाह को आपको हयाती दिया कुछ दिया, हम फिर इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे, फिर कभी एक साल दो साल तीन साल दस साल से कोशिश कर रहे थे, अब मौका मिला, जब भी मौका मिलेगा फिर एक बार आएंगे क्या मुझे भी थे। अब हम लोग आ गए नेशनल हाईवे पे, ये नेशनल हाईवे बम्बई टू गोवा की जो रोड है, गोवा टू मंदूर और रत्नागिरी की जो रोड है, ये रोड है। अब जब से अभी तक जो हम लोग थे स्टेट हाईवे पे थे, अभी घाट पे थे, ये रोड पे थे, देखिए इधर थे हम लोग पूरा, ऊपर से वाटरफॉल बताया था आपको भाई। अब नेशनल हाईवे कौन सा है जी अजर? 66 नेशनल हाईवे रत्नागिरी टू आपको मिलेगा बॉम्बे तक। अब ये काफ़ी 6 या 7 घंटे का रास्ता है। हमारा मतलब क्या है, मतलब जहाँ भी हम लोग अच्छा स्टे मिला हम लोग रात में रुक जाते, फिर हम लोग कल जाएंगे हम लोग जितना हो सका, हम लोग रात की सफर ही रह करते हम लोग, जो भी होता दिन में हम लोग जाते, क्योंकि मतलब रात में ये रात में घूमने का मतलब नहीं है पागलों के सर का, ना सीनरी मिलती ना कुछ मिलती। अब ये काफ़ी अच्छा घाट सेशन आप मिलेंगे हम लोग रात में, आगे बताते जाऊँगा मैं। ये हसी वादियाँ खुला आसमां में कई सही सॉन्ग, एक 20 या 25 साल पुराना फिल्म रोजा फिल्म का गाना, अब हम लोग जा रहे हैं आज हमको बराबर गाना मिल गया। रोजा फिल्म ऐसा जबरदस्त सीनरी बताने वाला आपको भाई, देखिए आप खुला आसमां हमारे कहाँ, ये रत्नागिरी टू बॉम्बे का जर्नी है, जा रहे थे हम लोग, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है जबरदस्त। जितना हो सका हम लोग आपको बताना चाह रहे रोड कैसे है, और आपकी जर्नी आपको कैसा क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा ये रोड पे जाने के लिए, और काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा हवा को एंजॉय कर लेते हुए रोड, और रोड अच्छी है, काफ़ी अच्छी रोड है, ऑलमोस्ट रोड का काम काफ़ी हो चुका है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी रोड है, हम लोग काफ़ी लकी है, और कुछ जगह पे कुछ पैचेस है, और वो तो बर्दाश्त करना पड़ता है आपको इतनी बड़ी रोड पे, आपको बॉम्बे गोवा बॉम्बे रोड पे, रत्नागिरी बॉम्बे रोड पे इतनी अच्छी रोड मिल रही है आपको, बोलते वी आर वेरी लकी। अभी हमको बॉम्बे यहाँ से बता रहा कि 6 घंटे
सात घंटे बता रहा, बीच में हम लोग कहीं हॉल्ट कर देंगे, सात घंटे तो जर्नी नहीं होंगी, और क्यों बोलते हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, अब सात घंटे बीच में हम लोग कहीं अच्छा अच्छी होटल या अच्छा हमको रहने के लिए मिल जाएगा लॉज, तो हम लोग स्टे करके कल सुबह निकलेंगे। क्यों बोलते ये व्यू फिर हम कल नहीं मिलेंगे, रात में निकल गए तो हम लोग, ये व्यू काफ़ी अच्छा है और सीनरी काफ़ी अच्छे सीनरीज है, आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत मंजर है, देखिए नदी देखिए, अगर ये नदी के पास से हम लोग उधर ही जाएंगे, अब देखिए क्या अच्छा व्यू है, क्या अच्छा खूबसूरत मंजर है, हाँ 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 हाँ, जबरदस्त, हाँ क्या मंजर है, देखो आप कितना खूबसूरत मंजर है, ऐसा दिख रहा आसमान ये पूरे ऊपर के बादल पहाड़ से बात कर रहे, यार रोड पे आ गए तनवीर मियां, ये ट्रेन जाने वाली है, कुंदन रेल की ट्रेन दिख रहा आपको पटरियां, देखिए कुंदन का, सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा गांव महाराष्ट्र का, अभी हम लोग पार कर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे 66 संगमेश्वर, ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर चढ़ रहे हैं अभी, वन वन दूर है यार वो दिख रहा था, और देखिए व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, करीब करीब 7 बजने को आ रहे हैं, 7 को अभी 2-3 मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी होते हैं, मगर व्यू तो आप बयान नहीं कर सकते, बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त व्यू है, और मगरिब का टाइम है, एंजॉय करते हुए रत्नागिरी से निकले थे हम लोग 4:30-5 बजे, खेड़ बोल के एक आगे एक गांव है, वहाँ रुकने का इरादा करें नाइट स्टे, उसके बाद कब सुबह निकलने का इरादा करें, और रत्नागिरी टे बॉम्बे की रोड बहुत प्यारी रोड और अच्छा ज़बरदस्त है, नेशनल हाईवे 66, सामने देखिए बादल है, देखिए क्या अच्छे जबरदस्त है, और टाइम देखो 7:01 हो रहा, ओह जबरदस्त, अभी मगरिब हो गई बट उजाला अभी बहुत है, यहाँ पर 7:30 तक उजाला रहता है, इधर ये समझ में नहीं आया मेरे, देखिए पनवेल 253 बता रहा है यहाँ से, देखिए जबरदस्त रोड, अभी तक हम लोग जब भी निकले अच्छी रोड है, अभी उजाला है, अभी उजाला है बोलते, अभी आप देख सकते हैं उजाला है, अभी 7:14 हो रहे, उजाला है अभी, रोड थोड़ी टूट गई, अब देखिए रहने के लिए यहाँ पर कुछ खाने के लिए होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, टोल गेट 500 meters, अब यहाँ आगे टोल गेट है, हम लोग कल निकले थे, देखिए कल से हम लोग टोल गेट नहीं मिला था, लास्ट कल 6:02 को कल टोल गेट मिला था, वो भी उड़पी और बेंगलुरु, उड़पी और गोवा की रोड पे, उसके बाद टोल गेट नहीं मिला था, अभी यहाँ पहला टोल गेट है, उसके बाद अब कितना पैसे कटते क्या है देखेंगे, वहाँ पर 120 रुपये काटा था, आज का जो डिनर है कहाँ रुके हुए अपन, खेड़ में रुके हुए, रत्नागिरी से अपन आए खेड़ में रुके हुए, अच्छी होटल है साई रिसोर्ट, साई रिसोर्ट में रुके हुए, देखिए तबरेज खारा खाना, मलाई कोफ्ता, चिकन 65 कैसा है, मुझे टेस्ट कैसा है, अच्छा है टेस्ट, बेहतरीन टेस्ट है, और नदीम टेस्ट कैसा है, बेहतरीन टेस्ट है, एकदम हैदराबाद के जैसा है, हैदराबाद की सरकार है, आके अब जाना है तो बहुत ही स्विमिंग करना है, स्विमिंग करना भी है, क्या क्या है ये, क्या है ये, मलाई कबाब है, हाँ। ये जो है सो रोल है चिकन का, ये तंदूरी है, ये तंदूरी है, तंदूर भाई हो गया फिनिश, दाल मखनी कैसी है, बहुत ज़बरदस्त दाल मखनी अच्छी है, देखिए डिनर हो रहा आज का ज़बरदस्त डिनर, ये रेस्टोरेंट है ज़बरदस्त है, और होटल में स्विमिंग पूल भी है, खाओ स्विमिंग पूल भी होटल में स्विमिंग पूल है, ज़बरदस्त होटल है, और रिसोर्ट है समझ जाइए, रिसोर्ट में आके रात में हम लोग यहाँ रुके और कल निकलेंगे, खाना ब्रेकफास्ट भी बफे है यहाँ पर, हो गया बाद इंशाल्लाह कल खाने का अच्छा हो गया बाद थोड़ा रेस्ट ले लेके कल सुबह ब्रेकफास्ट कर स्विमिंग कर करके ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे अपन, तो स्विमिंग करना है ना, 7:30 स्विमिंग करना है, देखिए कल रात में हम लोग आ गए थे साई रिसोर्ट, ज़बरदस्त रिसोर्ट है, हम लोग डिनर भी करें, आप लोग देखें डिनर भी अच्छा था,
ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ज़बरदस्त रिसॉर्ट है। और बारिश जो है मैंगलोर से जब से निकले जब से रुकने का नाम नहीं है, कंटिन्यू है। ये देखिए अभी भी बारिश हो रही। कोंकण का यही मज़ा है। आज का जो ब्रेकफास्ट है ये महाराष्ट्र स्पेशल वड़ा और ये पाव और सेमिया और उसके साथ आप देख सकते हैं इडली है, कुछ स्वीट है, सांभर है। आज का ये ब्रेकफास्ट है। आज की जो हमारी जर्नी रहेंगी खेड़ में हम लोग रुके हुए हैं रिसॉर्ट में, यहाँ से लेके बॉम्बे तक जर्नी है। आप ये देख सकते हैं जो रत्नागिरी से कल स्टार्ट कर रहे थे कंटिन्यू है ये पार्ट फोर। अब देखिए आगे आगे जो सीनरीज है, आगे आगे जो आपको देख आप आगे आगे आपको दिखेंगे तो ज़बरदस्त रहेगा। और हमारा भाई मुझे कैसा है ब्रेकफास्ट? बहुत अच्छा है। अभी ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपको जब हम रूम का बताऊंगा भाई, रूम का टैरिफ कितना था, रूम का कितना पैसे लग गया हमको वो बताऊंगा हमको। 2500 रुपये पर रूम तीन जनों के लिए ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री, ज़बरदस्त रूम है और अच्छा है और स्विमिंग पूल वगैरह भी है रिसॉर्ट में। हम लोग आगे गए आपके यहाँ से हो गया बात, थोड़ा रूम का बताया बात फिर निकलेंगे हम लोग। थैंक यू। ये आप देखिए ब्रेकफास्ट हो गया। हम कल रात में आए थे, रात में थोड़ा पानी था, बारिश थी रात में, रात का हम लोग एक्सप्लोर नहीं करे। और ज़बरदस्त रिसॉर्ट है ये देख सकते, रिसॉर्ट आप पूरा रिसॉर्ट देख सकते, सारी रिसॉर्ट है ये पूरा कम्प्लीटली साई रिसॉर्ट। आप देख सकते हैं साई रिसॉर्ट है। रात में हम तो अभी निकल रहे हैं सुबह के 9:25, आज की तारीख है दो है ना, आज तीन थर्ड है, आज थर्ड ऐसा सफ़र है, मालूम नहीं हो रहा क्या दिन है क्या है। मंडे का तीर का दिन है सुबह का, लाइट रात में बारिश हुई झिमझिम झिमझिम, अभी भी थोड़ी लाइट बारिश है। अब ये लोग देखिए ये रिसॉर्ट है, ये रिसॉर्ट आज की जो हमारी कल की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज हम लोग यहाँ रात में आकर रुके, रत्नागिरी से लेकर मुंबई की जर्नी है ये पार्ट फोर। अभी कैसा भी देखिए पार्ट फोर कितना सफ़र रहता, क्या क्या बीच में मिलता, खेड़ मिलता, बड़ा गांव में रिसॉर्ट मिलता, रिसॉर्ट में रात में स्टे करी थी, ब्रेकफास्ट और डिनर यहीं करें। डिनर तो कम्प्लीमेंट्री था, ब्रेकफास्ट तो कम्प्लीमेंट्री था, डिनर अच्छा था, काफ़ी अच्छा और मज़ा आया, इन्जॉय करें हम लोग। आगे देखिए अभी हम यहाँ से हम लोग निकलेंगे, अभी ये गाड़ी सामान रेडी हो गया पूरा, मुझे भी अभी रेडी है। क्या सर रोड्स कैसे हैं? रोड्स अच्छे बेहतरीन है। रिसॉर्ट भी कल रात में हमको साई रिसॉर्ट बेहतरीन मिला है, एक ब्रेकफास्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री था। हाँ। और बाजू में जो सो बेहतरीन नदी है। हाँ मस्त नज़ारा अच्छा है, नज़ारा भी अच्छी है। अब जाते वक्त और नज़ारे अच्छे मिले। कुंडगढ़ में सफ़र अच्छा है, कुंडगढ़ का काफ़ी अच्छा सफ़र है कुंडगढ़ का, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ से जाते वक्त। अभी आगे यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा मुंबई पहुँचेंगे। मुंबई एयरपोर्ट जाना है हमको अरफात की छोड़ने के लिए, एयरपोर्ट के बाद या उससे पहले हम लोग जाएंगे दरगाह के ज़्यारत करेंगे, वो आपको मुंबई तक का सफ़र रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए हम लोग आगे मिलूंगा। क्या हो गया, रेडी हो गए? रेडी है सब? राइट रेडी। तनवीर अगर रेडी, चलिए रेडी है, मुझे ओके, चलिए रेडी है पूरे, देखिए रेडी है। 9:40 है, 5-10 मिनट लेट हो गए यारी भाई। नदीम भाई देखिए निकल गए हम लोग रिसॉर्ट में से, अभी यहाँ से अभी बॉम्बे का सफर है। कितना है जी बॉम्बे यहाँ से? 226 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, पाँच घंटे का रास्ता है। उसके बाद हाजी अली बाबा की दरगाह की ज़ियारत करेंगे, उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे तबरेज को छोड़ने के लिए। उसके बाद आज का हमारा हॉल्ट रहेगा बॉम्बे में। ये जो जर्नी है हमारी रत्नागिरी से लेके खेड़ होते हुए, हम लोग कुंडगढ़ रास्ते से वेस्टर्न घाट से होते हुए मुंबई जा रहे हैं। मुंबई टू गोवा फिल्म वगैरह आप काफ़ी देखे होंगे। हम लोग जा रहे हैं मैंगलोर टू बॉम्बे वेस्टर्न घाट्स में, इसमें हम लोग अभी हैदराबाद से जब निकले थे हैदराबाद, उसके बाद हैदराबाद से मैंगलोर आए, मैंगलोर बीच में रुके थे हम लोग, फिर उसके बाद मैंगलोर से होते हुए फिर हम लोग गोवा में रुके। गोवा से हम लोग निकले, गोवा से निकल के रत्नागिरी गए, रत्नागिरी थोड़ा एक्सप्लोर करे, रत्नागिरी फिर रत्नागिरी तक हमारा पार्ट था, रत्नागिरी से लेके बॉम्बे का पार्ट है ये। उसके वाया हम लोग होते हुए खेड़ अच्छा गांव है, अच्छा रिसॉर्ट था। रिसॉर्ट कैसा था जी? अजर फाइव स्टार रेटिंग है और खाना भी काफी अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी काफी अच्छा था और रिसॉर्ट बाथरूम वगैरह रूम्स वेरी नीट एंड क्लियर।
मेरे हिसाब से 10 out of 9 9 दे सकते हैं 10 इसलिए दे रहे तो 10 out of 10 तो मुश्किल है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आता, बट टॉयलेट्स वगैरह और वाशरूम्स और स्विमिंग पूल्स एवरीथिंग इज गुड। कैसा था मुझे? हाँ अच्छा, 10 by 9 दे सकते, और नाश्ता रात का खाना बहुत बेहतरीन था और स्विमिंग पूल वगैरह अच्छा था। और तनु कैसा था? बहुत अच्छा था, रिसोर्ट बहुत अच्छा था। अगर ये रोड से अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं मतलब मुंबई या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई वाले, अगर मुंबई से जैसे गोवा ट्रैवल कर रहे तो अगर हॉल्ट कर रहे तो ये रिसोर्ट में जैसे साई, सकते साई रिसोर्ट, साई रिसोर्ट है, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, रूम्स तो एक्सीलेंट रूम्स है, ब्रिज के नीचे राइट साइड के नीचे ब्रिज। आप जब बॉम्बे से आते तो आपको लेफ्ट पड़ता, जब आप रत्नागिरी से जा रहे तो आपको राइट साइड पड़ता, करेक्ट है? राइट, तो खेड़ में आता है, खेड़ में आता है, बहुत अच्छा है, रिव्यूज तो दे सकते, अच्छे दे सकते, जज नहीं कर सकते रिव्यूज तो, बट ओवरऑल गुड है, हला फूड भी हलाल हलाल फूड था, हलाल फूड है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाता आप लोग, और रूम जैसे पूरा एसी के साथ है, एसी है, टीवी है, और बाथरूम्स भी अच्छे है, गुड ओवरऑल, वेरी गुड ओवरऑल, वेरी गुड। देखिए काफी अच्छा था, रूम्स वगैरह बाथरूम्स टॉयलेट्स क्या क्या सर, बारिश होते हुए रात में खाना, देखिए जब से बेंगलुरु से निकले बारिश रुक रही थी, आ रही जा रही, धूप थोड़ी एक मगर ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है, चिपचिपनापन थोड़ा ज्यादा है, हम लोग तो निकल गए, जबरदस्त मजा आ रहा है, एंजॉय करते हुए, आगे मैं सीधा ही बताऊंगा, अभी देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 4 है, कल का जो हमारा पार्ट रहेगा वो बॉम्बे टू हैदराबाद करेंगे, अच्छी जर्नी रहेंगी, वो भी जबरदस्त रहेगी, आज की जर्नी काफी अच्छी रहेंगी, और आपको कुछ सीनरीज और कुछ व्यूज बताऊंगा मैं आपको, ये देखिए जबरदस्त सीनरीज है, ढाबे वगैरह अच्छा मिल जाएंगे, हैप्पी पंजाबी ढाबा, देखिए सीनरी स्टार्ट हो गए, बेहतरीन व्यू, खूबसूरत नजारे, यहाँ से आप कुंडगंज के देखिए, अबर जो है आसमान, बादल ऐसा दिख रहा है कि पहाड़ से बात कर रहा, रोड कैसी है सर? बेहतरीन रोड है, पूरी कंप्लीट सीमेंट रोड है, 100 की स्पीड जा रही है तो भी ऐसा दिख रहा है 50-50-60 से जा रही है, ऐसा दिख रहा है 100 की स्पीड है मगर गाड़ी ऐसा दिख रहा है 50-60 पे जा रही, ओवरऑल रेटिंग मुझे भाई रेटिंग क्या है वो क्या बोलते अपने रोड कैसी है? अच्छी बेहतरीन रोड है, हाँ इस रोड के लिए मैंने उसको पूरा बोनस गडकरी को दे सकते हैं, गडकरी साहब जब से विद नितिन गडकरी साहब, बेहतरीन व्यू बेहतरीन नज़ारे देखने की खुशकिस्मत है, ये बम्बई टू गोवा गोवा टू मुंबई की रोड जो है बेहतरीन रोड है, पूरी कंप्लीट सीमेंट रोड है, ऐसा दिख रहा 100 पे जा रहे तो ऐसा दिख रहा है 40-50 पे जा रहे हैं, व्यू देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, वेस्टर्न घाट आपको लेफ्ट साइड पड़ेगा, समंदर पड़ेगा सी, और ये रोड फिर रेलवे ट्रैक है बीच में, फिर ये राइट साइड पर आपको पहाड़ वादियाँ मिलेंगी, ये आज की बारिश स्टार्ट हो गई, 3 तारीख की बारिश स्टार्ट हो गई, मुंबई महाट ये रोड स्टार्ट हो गया, देखिए ये पूरा वेस्टर्न घाट है, पूरा पहाड़ी है, ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, घाट देखिए कैसा है, कैसा घाट? कशेड़ी घाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हाईवे रोड एंड ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन व्यू, अब यहाँ से मेरे ख्याल से घाट आ गया, ये घाट से चलिए स्टार्ट हो गया, देखिए अब ऊपर चढ़ना है, वहाँ अभी ऊपर चढ़ रहे खेत, खेत से एक हम लोग 10 किलोमीटर आए, खेत से 10 किलोमीटर आते आपको घाट स्टार्ट हो गया, हम लोग इसलिए आराम करेंगे, रात में हम लोग आते तो ये हम लोग देखने को चीज़ नहीं मिलता था, आराम कर लिए हम लोग, सुबह हम लोग निकल रहे व्यू देखिए आप लोग कितना बेहतरीन व्यू है, अब ये वाटरफॉल देखिए ब्यूटीफुल वाटरफॉल, ऊपर से आ रहा पानी वाटरफॉल, आपको ज़ूम करके बता दो ये पूरा वाटरफॉल है, तबरेज खुश हो गया वाटरफॉल देख के, चलो रुकने का नहीं है कहीं भी, देखिए मौसम देखिए कैसा है, शाम में कितना डार्क है, इधर तरफ धूप है और उधर तरफ कितना डार्क है, देखिए बारिश हो रही है मुझे तो पता नहीं,
पर हम लोग जा रहे हैं उस तरफ। अब आपको बताऊंगा मैं उस तरफ क्या हो रहा, उधर का वेदर कैसा है। और यहाँ देखिए कितना साफ वेदर है, खूबसूरत वेदर। और ये वेदर देखिए आप, उसके बाद इधर का वेदर देखिए। ये बारिश है क्या? हो बारिश है ये। पनवेल महाड बॉम्बे रोड पे ये वेदर देखिए, साफ सुथरा एकदम, कुछ बादल नहीं कुछ नहीं, कितना अच्छा मौसम है। ऊपर उदा आसमान भी दिख रहा, पर यहाँ पर एकदम चेंज वेदर चेंज। ये समझ में नहीं आया मेरे को तो, ये क्या वेदर है? नहीं ये बादल है, ये नहीं बात बारिश है। देखिए वेदर देखिए आप, सामने लेफ्ट साइड में कंप्लीटली ब्लैक, और ये साइड देखिए बादल देखिए। हाँ हम लोग जा रहे हैं राइट साइड में उतना नहीं है। देखिए एकदम यहाँ का मौसम देखिए कितना सुहाना मौसम है। मेरे ख्याल से बारिश हो रही उधर, वो तरफ बारिश हो रही है उधर। फॉग है, कंप्लीटली फॉग है ना। ये देखिए बादल नहीं है, वो फॉग है। वो हम लोग समझ रहे थे बारिश। देखिए ये लिखे हुआ यहाँ पर मुंबई महाट पनवेल, यही रोड है जा रहे थे हम लोग। ये ब्लैक फॉग है एकदम, बारिश स्टार्ट हो गई। गंडी पल्ला केव्स मुंबई, देखिए केव्स यहाँ है, देखिए केव्स यहाँ है। ये पूरे केव्स है, देखिए ये पूरे केव्स बने हुए हैं। ये कुदरती निज़ाम रहता है। ये कोई भाई ये अलग हम लोग देखिए रोड थोड़ा डाइवर्शन ले लिया यहाँ से। हाईवे नंबर क्या है जी? 548। हाईवे 548 पूना बॉम्बे हाईवे है। ये जबरदस्त घाट और अच्छा अच्छी रोड है। इसमें से क्या है टाइम थोड़ा कम बता रहा था, 2 घंटे 16 मिनट बता रहा था बॉम्बे, उधर से तीन घंटे बता रहा था। अभी देखिए एकदम घाट रोड जबरदस्त, तबियत खुश हो जाना है रोड पे से गए तो, और व्यू भी अच्छा मिलता। आप कभी भी आप गए तो कभी भी इधर से आए तो राइट ले लेंगे, इधर से ये रोड पे चले आना। और अच्छा व्यू है, घाट भी है जबरदस्त। हाँ व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, ऐसा देखिए वादियों में चले जा रहे हम लोग। हाँ 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 एक ख्वाहिश थी कि हमारे 10 साल से बॉम्बे गोवा बॉम्बे रोड मारने की। हर एक को चाहिए कि एक ना एक दिन बॉम्बे गोवा रोड बाई रोड मारे। बोलो बाई रोड खूबसूरती जो है ना, प्लेन से गए आप, ट्रेन से गए आप, बाई रोड गए आप, उसका मजा अलग है। ये पहाड़ देखिए, वादियाँ देखिए क्या जबरदस्त है। मैं श्रीलंका में देखा था ऐसा सेम। और देखिए क्या खूबसूरत जगह है देखिए। और देखिए अभी एकदम आपको ऐसा ऐसी जगह लग जा रहा है। ओहो पहाड़ देखिए कितने ऊपर पे, ऊपर वाटरफॉल भी है, पहाड़ भी है। ये नदी जा रही देखिए, अभी नदी हमारे राइट साइड थी, अभी लेफ्ट साइड आ गई। जबरदस्त पहाड़ और एकदम आपको देखिए वीडियो, ओहो खूबसूरत। और यहाँ पहाड़ के नीचे छोटा गांव और एक दरगाह। क्या वीडियो है? देखिए हम लोग अभी एक गांव में आ गए। ओहो पहाड़ देखिए ऊपर कुछ आई थिंक मंदिर है, पब्लिक जा रही ऊपर, मंदिर है वहाँ पर। देखिए गाने सुन लेते हुए, गाना देखिए धर्मात्मा का गाना चल रहा, क्या खूब लगती हो। और उसके साथ मौसम, क्या खूब मौसम है, बारिश का मौसम है ये। क्या मौसम, क्या बारा मुझे कहा बेहतरीन मौसम, इतना प्यारा। कब से है? तकरीबन आधे घंटे से बारिश ही बारिश है, बारिश ही बारिश है। कुनकन का मजा लेना तो यहाँ पर, बारिश का मजा लेना तो कुनकन आना। आपको कुनकन आना, क्या बोलते हैं सर, बारिश का मजा, बारिश में गाड़ी चलाना हो तो कुनकन आना पड़ता आपको कंपलसरी। और वो जुलाई अगस्त में जाना, मैं तो मजा तो नहीं आना। बादलों की हरियाली, रोड, क्या बेहतरीन मौसम, गाड़ी चलाना, बहुत बहुत प्यारा मौसम है। व्यू देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, बेहतरीन। और पहाड़ को पहाड़ के बीच में से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, गाने सुन लेते हुए। और हमराज फिल्म का गाना है, देखो म्यूजिक, देखो कितनी प्यारी म्यूजिक है, जबरदस्त।
और यहाँ से कम 77 या 80 किलोमीटर है बॉम्बे। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच रहे पूरा वाटरफॉल्स वगैरह। अभी हाईवे अदर हाईवे मिल गया आपको? और नेशनल हाईवे और आगे है। अभी हम लोग स्टेट हाईवे में है अभी। गाना कितना अच्छा है, देखो गाना सुनो, खूबसूरत गाना और बेहतरीन आवाज महेंद्र कपूर साहब की। हमरा सलीम का गाना चल रहा। ये गाँव है, देखिए छोटे छोटे गाँव है महाराष्ट्र के, एकदम देखिए प्यारे प्यारे घर और अच्छी गाँव की लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ रहती। आप कभी बराबर चल रहे में आ गए इधर, ये सामने देखिए आप देख सकते हैं सामने ये जीप फैक्ट्री, जीप जो है ना फैक्ट्री उसका, उसकी फैक्ट्री है इधर। ये एक्सप्रेस हाईवे पे हम लोग अभी चढ़ेंगे। यहाँ से देखिए ये एक्सप्रेस बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, पुणे एक्सप्रेस हाईवे, कौन सा है मुझे, पुणे एक्सप्रेस है, पुणे एक्सप्रेस, पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। ये देखिए ये नेशनल स्टेट हाईवे से हम लोग जा रहे नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे एक्सप्रेस मुंबई वे। ये यही रोड है देखिए, ये राइट साइड की रिटर्न में भी यही रोड मिलेगी आपको, रिटर्न में भी यही रोड मिलेंगे हम, बेहतरीन रोड। और यहाँ से मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बम्बई स्टार्ट हो गई। हाँ ये सफारी कार जो है उसका थोड़ी देर कितना पैरा दिया। और ये टनल आ रहा, और ये टनल आ रहा देखिए, ये टनल आ रहा टनल में जाने का मजा अलग ही है। ऑलमोस्ट हम लोग बॉम्बे पहुंच गए और यहाँ से 30 किलोमीटर कितना है सर, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है। सफर आसान था और हम लोग खेड़ से निकले 9:45 बॉम्बे पहुंचे तक हमारे को 2 बज गए। करीब 5 घंटे का रास्ता था। हम लोग रत्नागिरी रुकी है सोचे थे, मगर एक अच्छा हुआ कि कल हम लोग आके रत्नागिरी से 2 घंटे पहले आ गए। हम लोग वहाँ रुक गए थे हम लोग, ये बहुत अच्छा हो गया ये। और एक टोल गेट, टोल प्लाजा, और एक आया देखिए इससे पहले आया था टोल प्लाजा, उस पर 240 रुपये कटे। और यहाँ कितने कटते क्या है अभी मालूम हो जाता है। अभी हम लोग देखिए बॉम्बे पहुँचने वाले हैं, अभी बॉम्बे पहुंचेंगे। बॉम्बे का हमारा जो ब्लॉक है, हमारा जो ब्लॉक है, जो हम लोग रत्नागिरी का जो बॉम्बे का था पार्ट 4, मैं आके बॉम्बे हाजीली के पास रोकूंगा उसको, हाजीली की दरगाह यार करेंगे हम लोग उसके बाद का पार्ट रहेगा, पार्ट बॉम्बे एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। पार्ट 6 में हैदराबाद बॉम्बे 2 हमारी, कल का और एक ब्लॉक बनेगा जो आज स्टार्ट होगा, वो बॉम्बे एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। बॉम्बे का शॉपिंग वॉपिंग, बॉम्बे की मुंबई लैंड, बॉम्बे का खाना थोड़ा देखेंगे वो भी। और शाहरुख खान का घर जाना है जी, शाहरुख खान के घर को, यस शाहरुख खान के घर भी जाना है कहते लोग को, सलमान खान गैलेक्सी लंच है कहते, उधर गैलेक्सी में लंच है कहते तनु भाई का, सलमान खान बुलाए उसका, सलमान खान तनु भाई की शादी में सलमान खान भी आ रहे हैं। ये स्टेडियम आ गया नई मुंबई में दीनदयाल, ये IPL के काफ़ी मैचेस हुए थे यहाँ पर लॉकडाउन के, जब महाराष्ट्र में जब मैचेस हुए थे इसमें ये एक वेन्यू था। अब यहाँ पर है देखिए डी वाई पाटिल स्टेडियम, यही है देखिए, ये स्टेडियम है डी वाई पाटिल के राइट साइड, ये स्टेडियम है। हम लोग स्टेडियम से निकलते हुए नई मुंबई से निकलते हुए मुंबई जा रहे हैं हम लोग, यही है देखिए डी वाई पाटिल स्टेडियम। ये देखिए रोड, अब ट्रैफिक स्टार्ट हो गया यहाँ से बॉम्बे की, ये खोल देंगे ना हम लोग। देखिए बॉम्बे पहुँच गए, ऑलमोस्ट पहुँच गए, ये अढ़ाई बज रहे हैं, 2:30 रहे बॉम्बे पहुँच गए हम लोग। अभी हाजिली बाबा की दरगाह में जाएंगे ज़्यारत करने के लिए, अजर है सुबह से मार रहे गाड़ी, मैं तू तू कर रहे पीछे हमारे बैठे हुए। और देखिए आज का ये ब्लॉक यहाँ पर मैं ब्लॉक एंड कर दे रहा हूँ। वहीं जो हम लोग रत्नागिरी से निकले कल से, उसके बाद हम लोग रिसॉर्ट में रुके थे, रिसॉर्ट में ब्रेक डिनर अच्छा हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद रिसॉर्ट से निकले हम लोग बॉम्बे का। ये जर्नी भी अच्छी जर्नी थी, और कुछ जगह पानी है, कुछ जगह पहाड़ है, कुछ ज़बरदस्त व्यू, और व्यू तो बॉम्बे से
जो रत्नागिरी से जो व्यू मिला हमारे बॉम्बे के लिए, कुंडगढ़ का जो एरिया था बहुत बेहतरीन एरिया था। आप भी कभी भी आए तो बाई रोड आइए, मज़ा आता है एंजॉय कर लेते हुए। और भाई आपके चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कुछ कमेंट बॉक्स में रहे तो कुछ बोलिए। इंशाल्लाह हम लोग कल का जो ये चौथा ब्लॉक में आज मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, आपका कीमती वक्त दिया, थैंक यू।